हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा क्लासेस की टेस्ट सीरीज में आप सबका स्वागत है। और आज की हमारी ये थर्ड क्लास रहेगी इंग्लिश लैंग्वेज की। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सेंटेंस हैव एन इनकरेक्ट फ्रेज विच आर शोन इन द बोल्ड एंड अंडरलाइन। सेलेक्ट ऑप्शन दैट इज द करेक्ट फ्रेज टू बी रिप्लेस सो दैट द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। ओके, तो देखो बच्चे, यहाँ पे क्या है, द साइंटिस्ट अवॉर्डिंग द नोबल प्राइज इन केमिस्ट्री। तो यहाँ पे ऑप्शन है इज अवॉर्डिंग, अवॉर्ड्स, वॉज अवॉर्डेड, अवॉर्ड। अब यहाँ पे हमें इसको ठीक करना है भी ये कैसे है, ठीक है। तो देखो बच्चे, अब इस सेंटेंस में यदि मैं बात करूँ तो साइंटिस्ट क्या है, सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? सबसे पहली बात तो मैं ये क्लियर करूंगी, कोई भी सेंटेंस गिवन है, वी सेंटेंस में सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? तो यहाँ पे साइंटिस्ट ऑब्जेक्ट है। वैसे बच्चे क्या सोचते हैं भाई, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन हम देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब सब्जेक्ट के बाद क्या और किसको लगाने से जो भी हमारा आंसर रहेगा वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। फिर मैंने देखा किसको केमिस्ट्री में नोबल प्राइज दिया जाता है, साइंटिस्ट को। अब इसका आंसर क्या और किसको से आया भाई, यहाँ पे साइंटिस्ट सब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि सब्जेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चे साइंटिस्ट खुद अवार्ड नहीं जीतता, नहीं देता खुद को, साइंटिस्ट को अवार्ड दिया जाता है किसी के द्वारा। भाई यहाँ पे शायद बाय पीएम सीएम कुछ तो होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। क्योंकि यदि यहाँ पे बाय लगा के कुछ दे देते तो उनको डायरेक्ट पता चल जाता आपको कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस में। यहाँ पे साइंटिस्ट सब्जेक्ट का काम न करके किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। और ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म का जिक्र आना चाहिए, क्योंकि पैसिव वॉइस जब भी हम करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो अब ऑप्शन पे चलते हैं। देखो यहाँ पे अवॉर्डिंग थर्ड फॉर्म नहीं है, अवॉर्ड्स ये भी थर्ड फॉर्म नहीं है, अवॉर्ड ये भी नहीं है, ये तो फिफ्थ फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे वॉज अवॉर्डेड, वॉज वर्ब के साथ जब थर्ड फॉर्म आती है तो ये पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में आती है, अदरवाइज तो वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आती है। लेकिन पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर रहेगा तो वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि मैं ऑप्शन के हिसाब से चलूं तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चे, सी रहेगा। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखेंगे, इज अवॉर्डिंग नहीं आ सकता क्योंकि पैसिव वॉइस की फॉर्मेशन है। मैंने आपको बताया जब भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो एचएसएससी में लगभग स्ट्रक्चर यही रहता है कि ऑब्जेक्ट को पहले देते हैं ताकि बच्चा कंफ्यूजन में आ जाए। तो आप ध्यान रखेंगे कोई भी सेंटेंस गिवन है तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि भाई सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। इस सेंटेंस में साइंटिस्ट सब्जेक्ट नहीं है, हर बार ऐसा नहीं होगा सेंटेंस के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट आए, ऑब्जेक्ट आएगा तो इसका मतलब सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। तो हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ऑप्शन को देखेंगे, फिर देखेंगे भी वॉइस है तो थर्ड फॉर्म मिलनी चाहिए और यहाँ पे सी में थर्ड फॉर्म है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ फिल इन द ब्लैंक है। लास्ट नाइट व्हाइल स्लीपिंग आई अ ब्यूटीफुल ड्रीम दैट माई डॉग हैड गिवन बर्थ पपीज। अब देखो लास्ट आते ही मेरे को पता चल गया, यदि किसी भी सेंटेंस में लास्ट यस्टरडे या एगो आ जाए तो आपको पता होना चाहिए ये सिंपल पास्ट की पहचान है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म की, ठीक है, या फिर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये सिंपल सेंटेंस है तो लास्ट आती है, हमें पता चला अभी सेंटेंस में सेकंड फॉर्म चाहिए। तो देखो बच्चे, हैज हैड हैड, हैज की सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, या फिर हैव हैड हैड, ठीक है। अब मेरे को सेकंड फॉर्म चाहिए यहाँ पे, तो मैं ढूंढूंगी भाई हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है, ऑप्शन में हैड कहाँ पे है, फर्स्ट में भी नहीं है, सेकंड में है भाई, है ना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, हैड सेकंड फॉर्म का यूज होगा। अब एम हैविंग भी नहीं आ सकता, हैज भी नहीं आ सकता, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, हैड का यूज होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म का। रीजन क्या है, लास्ट आया है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, इज द सिनोनिम ऑफ अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चे, सिनोनिम का मतलब है सेम मीनिंग, समान पर्यायवाची, ठीक है। अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह, प्यार। तो अब देखो, डिसलाइक मैंने नापसंद, हेटर्ड
नफरत, डिसइंटरेस्ट, ये भी नेगेटिविटी को दिखाएगा, तो इसका हो जाएगा फोंडनेस। इसका अफेक्शन का सेम मीनिंग क्या है, फोंडनेस, डिसलाइक तो ना पसंद है, डिसइंटरेस्ट ना रुचि है, यहाँ पे हेटर्ड का भी नफरत है, तो अफेक्शन का मीनिंग रहेगा फोंडनेस। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अब यहां पे क्या है, अंडरलाइन वर्ड को ठीक करना है। कैनन जंप्ड एट द रिवर, तो यहां पे बच्चे देखो, मैंने पहले भी डिस्कस किया आपके साथ इन और इनटू का मीनिंग, ठीक है। इन का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी एग्जिस्ट, ऑलरेडी अंदर, और इनटू का मतलब क्या होता है बच्चे, मूविंग, बाहर से अंदर। अब कैनन ने रिवर में जंप किया है, तो भाई बाहर से अंदर की मोशन है, तो ये चीज मूविंग है, मूविंग है तो जंप के साथ एट का यूज नहीं होगा, जंप के साथ किसका यूज होगा, इनटू का, यानी यहां पे आंसर क्या होगा, जंप इनटू द रिवर। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द पर्सन टू हु रेशमा सेल हर हाउस इज एन इंग्लिश प्रोफेसर। ओके, अब यहां पे हु और होम में से क्या आएगा वो चीज देखेंगे। तो देखो, जब भी हम प्रोनाउन का टॉप, एक बार ऑप्शन पे चलते हैं, हु रेशमा सोल्ड, विच रेशमा सेल्स, होम रेशमा सोल्ड, हु रेशमा वाज सेलिंग। अब देखो, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाती हूँ, एक होता है हु, एक होता है होम। अब जब भी हु और होम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आएंगे, तो वहां पे आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, कितना ही बड़ा सेंटेंस हो, हम वहां पे दो चीज चेक करेंगे कि सेंटेंस में कितने सब्जेक्ट हैं और कितनी वर्ब है। डन? यदि सब्जेक्ट और वर्ब इक्वल है, इक्वल नहीं है तो हु आएगा, और सब्जेक्ट और वर्ब इक्वल है तो होम आएगा। कैसे सेंटेंस से क्लियर करते हैं, अब मैं ये देखूंगी सेंटेंस में हमारे कितने सब्जेक्ट है, तो पर्सन ये सब्जेक्ट है, स्टार्टिंग में है, रेशमा सब्जेक्ट क्या होता है, जो मेन वर्ब से पहले होगा या स्टार्टिंग में होगा, हम कैसे भी कर ले, तो यहां पे रेशमा भी क्या है, सब्जेक्ट है, कितने सब्जेक्ट हैं, दो। फिर मैंने देखा सेल क्या है, वर्ब है, और इज भी क्या है, वर्ब है। अब सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं, दो वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब इक्वल, देन वी यूज होम, तो इस सेंटेंस का करेक्ट आंसर क्या रहेगा बच्चे, सी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे होम का यूज होगा, प्रोनाउन में हम डिस्कस करते हैं, तो इसे अब ध्यान मतलब अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट देखो, वी डिस्कस दिस टॉपिक यस्टरडे, हैवेंट वी। ओके, अब देखो, जब भी कभी आप अपोस्ट्रोफे, ऐसे नोट में अपोस्ट्रोफे देखो, तो ये क्वेश्चन होता है क्वेश्चन टैग का, किस चीज का, क्वेश्चन टैग। और क्वेश्चन टैग होता क्या है, क्वेश्चन टैग सिर्फ इतना सा है कि हेल्पिंग वर्ब हम पहले लगा देंगे, आफ्टर देन सब्जेक्ट, आफ्टर देन साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्वेश्चन टैग का मीनिंग ही ये होता है, सिर्फ हमें दो चीजें चाहिए, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। बस एक चीज याद रखेंगे, यदि सेंटेंस मेरा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, और यदि हमारा क्वेश्चन नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डन? अब इस सेंटेंस में क्या है, वी डिस्कस दिस टॉपिक यस्टरडे। अब मेरे को यह ढूंढना भी, इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो मैंने देखा डिस्कस वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और जब भी कभी सेकेंड फॉर्म हो तो आपको पता होना चाहिए पास्ट इंडेफिनेट टेंस और उसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, और या कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म दे रखा हो तो आपको पता होना चाहिए इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डू या डज। अब मैंने देखा सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है तो मेरे को डिड चाहिए, ठीक है, और ये पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, डिडंट, सब्जेक्ट है वी, डिडंट वी कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है। ठीक है, सिर्फ इतना सा काम है क्वेश्चन टैग का, कोई भी सेंटेंस गिवन है बच्चे, तो हम सिर्फ ये देखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या है, उसको हम बाहर निकालेंगे, उसके बेस पे फिर जो सब्जेक्ट होगा वो लगा देंगे। डन? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंटिल मिडनाइट लास्ट नाइट। ओके, ऑप्शन है आई हैव रेड, आई हैव बीन रीडिंग, आई एम रीडिंग, आई वॉज रीडिंग, चार ऑप्शन गिवन है। तो सबसे पहले तो ऑप्शन को देखते हुए एक चीज देखो, हमारा क्वेश्चन में लास्ट आया है,
और मुझे अच्छे से पता है जो लास्ट है वो पास्ट का इंडिकेशन होता है, लास्ट पास्ट को दिखाता है। तो एक बार ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं, देखो भी पास्ट की जो हेल्पिंग अब है वो कहाँ पे दे रखी है। हैव रेड ये तो प्रेजेंट है, एम रीडिंग ये भी प्रेजेंट है, कंटिन्यूस है, हैव बीन रीडिंग ये भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन के हिसाब से डी ऑप्शन में वॉज रीडिंग पास्ट का इंडिकेशन है, अदरवाइज बाकी जो तीन ऑप्शन गिवन है वहां पे कोई भी पास्ट का इंडिकेशन नहीं है कि बेबी अंटिल मिडनाइट लास्ट नाइट भी पिछली रात में आधी रात तक पढ़ रहा था तो आई वॉज रीडिंग। क्लियर? देखो कुछ चीजें ऑप्शन पे भी डिपेंड करते हैं, यहाँ पे हमें ऑप्शन से डायरेक्ट पता चल गया भाई लास्ट पास्ट को दिखाएगा तो चीजें पास्ट में ही आएगी, तो मैंने देखा तीन ऑप्शन में तो प्रेजेंट है, एक भी पास्ट है, तो ये हमारा डी आंसर ठीक रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, पेरिलस एंटोनिम। अब पेरिलस का एंटोनिम मतलब होता है अपोजिट वर्ड बताइए, ठीक है? तो देखो बच्चे, पेरिलस का मतलब होता है खतरनाक, डेंजर, डेंजरस, ठीक है? तो देखो फाइन मीन्स अच्छा, डेलिकेट नाजुक, हेल्दी स्वस्थ, तो यहां पे जो सेफ है उसका मतलब होता है सुरक्षित, ठीक है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी, पेरिलस खतरनाक, सेफ सुरक्षित, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू द बैंक मैनेजर यट वेर इज ही। देखो किसी भी सेंटेंस में यट, जस्ट, ऑलरेडी या सो फार आ जाए, यदि किसी भी सेंटेंस में यट आ जाए, जस्ट आ जाए, ऑलरेडी आ जाए, सो फार आ जाए, तो वहां पे हम परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है बच्चे? हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे यट को देखते ही हमें पता चल गया भाई परफेक्ट टेंस है, तो देखो हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पे है? Have you been writing यहाँ पे भी नहीं है, B ऑप्शन में, do you write में भी नहीं है, have you written यहाँ पे है। अब मैंने have पहले क्यों लगाया? क्योंकि क्वेश्चन मार्क था और क्वेश्चन मार्क में हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले होगा, ठीक है? क्वेश्चन मार्क की यही आइडेंटिफिकेशन है कि कोई हेल्पिंग वर्ब है जो सब्जेक्ट से पहले आएगी। क्लियर? नेक्स्ट देखो, incapable of making mistakes और डूइंग रोंग। ओके, तो ये क्या है? इनकपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और डूइंग रोंग, कोई बंदा जो बहुत कम गलतियां करता है, मीन्स गलतियां नहीं करता, उसे क्या बोलते हैं? तो देखो बच्चे, एक होता है फालिबल और एक होता है इनफालिबल। फालिबल का मतलब है जो गलतियां करें और इनफालिबल जो गलतियां ना करें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इनफालिबल, जो गलतियां नहीं करता। अब जो अदर ऑप्शन है उनके मीनिंग क्या है? इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़। अनपढ़ और अनएजुकेट में डिफरेंस होता है, कई बच्चे अनएजुकेट को भी क्या बोल देते हैं? अनपढ़ बोलते हैं, लेकिन डिफरेंस है। इलिटरेट क्या होता है? वन हु डज नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता वो इलिटरेट होगा। और अनएजुकेट क्या होता है? हैविंग लेस नॉलेज अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में कम नॉलेज होना वो क्या कहलाता है? अनएजुकेट। तो डिफरेंस है। इनफिडेल का मतलब होता है धर्म में आस्था न होना, ठीक है? धर्म में आस्था न होना। और इलिजिबल क्या होता है? क्वालिफाइड, फिट टू बी चूजन, इन लग गया तो नेगेटिव सेंस, नॉट क्वालिफाइड, ठीक है? नॉट क्वालिफाइड, अयोग्य, डन। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। यहां पे क्या था? इनकपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक, जो गलतियां नहीं करता उसे क्या बोलते हैं? इनफालिबल, जो करे वो फालिबल। इलिटरेट अनपढ़, इनफिडल धर्म में आस्था नहीं होना, इन एलिजिबल नॉट क्वालिफाइड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्लैंक क्रिकेट आई एंजॉय वॉचिंग फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, क्या बोल रहा है ये? क्रिकेट के अलावा मुझे फुटबॉल और बास्केटबॉल देखना पसंद है, यही बोल रहा है, ठीक है? तो
तो अब देखो बच्चे, एक होता है बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स। जब हम प्रपोजिशन की बात करते हैं तो बिसाइड का मतलब होता है के पास, और बिसाइड का मतलब होता है के अलावा। जहां पे एस लगा है ना बिसाइड्स, उसका मतलब है के अलावा। के अलावा का मतलब है बच्चे पॉजिटिव सेंस। के अलावा का मतलब क्या है? पॉजिटिव सेंस। तो क्या बोल रहा है ये? भाई मुझे क्रिकेट भी पसंद है और मुझे फुटबॉल और बास्केटबॉल देखना भी पसंद है। तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंस, भी गेम्स की बात हो रही है तो पॉजिटिविटी है, तो हम क्या लगाएंगे? बिसाइड्स, एक्सेप्ट के अलावा, लेकिन नेगेटिव सेंस में, ठीक है। लेकिन यदि हम गेम की बात कर रहे हैं तो तीनों ही पसंद मिलेंगे, ऐसा तो नहीं है क्रिकेट पसंद नहीं है और फुटबॉल और बास्केटबॉल देखना पसंद है। यानी थोड़ा सा यदि हम प्रपोजिशन पे जाएं तो वहां पे बिसाइड और बिसाइड्स को इंपॉर्टेंस मिलती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बिसाइड्स। क्लियर? नेक्स्ट देखो, आई ब्लैंक टेलीविजन अलॉट बट आई डोंट एनीमोर। क्या बोल रहा है? थोड़ा इसको समझते हैं। भाई मैं बहुत ज़्यादा टेलीविज़न देखता था बट अब नहीं देखता, कुछ ऐसा इसकी सेंस है। तो देखो, जब भी पास्ट हैबिट का इंडिकेशन है तो पास्ट हैबिट को शो करने के लिए एक मोडल्स यूज़ किया जाता है, यूज़ टू। क्या यूज़ करते हैं? यूज़ टू। जब हम मोडल्स पढ़ते हैं ना, तो मोडल्स देखो बच्चे, हमें पता है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सारे होते हैं। जब हम मोडल्स करेंगे ना, तो मोडल्स में एक मोडल्स होता है यूज़ टू, और यूज़ टू पास्ट हैबिट को शो करता है। तो यहाँ पे पास्ट हैबिट का इंडिकेशन है, तो यहाँ पे यूज़ टू वॉच, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। क्लियर? तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखो, हु इज प्लेयर इन योर टीम? बेस्ट। बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले कौन से आर्टिकल का यूज होता है? द का, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा? द, ये ध्यान रखेंगे। ए एन यूज नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है, द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज। अब देखो बच्चे, योर बिल विल बी हायर, will be higher your bill, the higher your bill will be, the higher your bill might be, okay। अब ये सेंटेंस है, तो देखो बच्चे, much more, most, more एक कंपेरिटिव डिग्री है, ठीक है। हमें जनरली पता है कंपेरिटिव डिग्री से पहले द का यूज नहीं होता। द का यूज हम कहाँ करते हैं? इसे पहले वाले सेंटेंस में मैंने बताया था, सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आता है? द। लेकिन कंपेरिटिव से भी पहले द आ सकता है। कंपेरिटिव से पहले द कब आएगा? जब दो कंपेरिटिव डिग्री एक दूसरे के डायरेक्टली या इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल हैं। इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने बोला भाई, जितनी ज़्यादा बिजली तुम यूज करोगे उतना ज़्यादा बिल आएगा, तो ये चीज़ें क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वहाँ पे दोनों कंपेरिटिव डिग्री है, तो दोनों कंपेरिटिव डिग्री से पहले क्या लगाते हैं? द। जैसे मैं ये बोल दूँ कि भाई किसी चीज़ की, हम गाड़ी से जा रहे हैं, उसकी स्पीड बढ़ा दे तो टाइम कम लगेगा, तो दो अपोजिट चीज़ें हैं, इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है, तो वहाँ पे भी कंपेरिटिव डिग्री से पहले द आएगा। सिर्फ एक केस में कंपेरिटिव डिग्री से पहले द आता है, कब? यदि दो कंपेरिटिव डिग्री एक दूसरे के डायरेक्टली या इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है। फिर मैंने देखा द मोर, तो मेरे को द हायर चाहिएगा। दो कंपेरिटिव डिग्री एक दूसरे के डायरेक्टली या इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल हो, तो दोनों कंपेरिटिव डिग्री से पहले क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। तो द हायर योर बिल विल बी, ठीक है, माइट भी नहीं, विल बी, प्रेजेंट, ये फ्यूचर यूज होगा, ठीक है। भी जितनी ज़्यादा बिजली तुम यूज करोगे उतना ज़्यादा बिल आएगा। तो यहाँ पे बस एक चीज़ याद रखनी, विल क्यों आया है? जब फ्यूचर में दो काम होते हैं तो एक में प्रेजेंट आता है, दूसरे में फ्यूचर का यूज होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आया है? फ्यूचर टेंस। भाई पहले हम बिजली यूज करेंगे फिर बिल आएगा, बिल बाद में आएगा। देखो वैसे मैं लिख देती हूँ, देखो फ्यूचर में दो काम होते हैं, फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन। तो जो काम फर्स्ट होगा उसमें आता है प्रेजेंट, वर्ब की पहली फॉर्म या पांचवी फॉर्म। जो सेकंड एक्शन होगा उसमें विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। इसलिए ये माइट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? विल आएगा। कि भी
पहले बिजली यूज होगी फिर बिल आता है, तो बिजली यूज में तो पहली फॉर्म दे रखी है अगले बंदे ने, उसके बाद बिल आएगा तो मेरे को बिल चाहिएगा, तो बिल क्लियर। नेक्स्ट देखो, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। द टीचर सेड आई एम बिजी नाउ, ओके इन्वर्टेड कॉमा देखते ही मुझे पता चल गया ये तो नरेशन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच है, तो अब इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो देखो ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, यदि सेड है तो सेड का सेड रहेगा, यानी द टीचर सेड, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के सिंपल सेंटेंस में दैट का यूज होता है। तो देखो इधर ही पता चल गया भाई हमें, ऑप्शन पे चले, द टीचर सेड यहाँ पे टोल्ड है गलत हो गया, यहाँ पे सेज है गलत हो गया, यहाँ पे सेज है गलत हो गया, बी ऑप्शन है, द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, और नरेशन में फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, यानी यहाँ पे आई टीचर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, टीचर क्या है ही, ठीक है। इज अमार को वोजवर में बिजी, नाउ का देन, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या रहेगा बच्चे आपका, बी रहेगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट एन एक्ट ऑफ किलिंग वंस मदर, ओके देखो बच्चे हम साइड पढ़ते हैं, साइड का मतलब होता है किलिंग या डेथ, ठीक है। तो साइड में यहां पे ऑप्शन है जीनोसाइड, मोर्टुनरी, फोइटिसाइड, मैट्रिसाइड, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको पूरा ही बता देती हूँ, देखो सुसाइड का मीनिंग होता है खुद की हत्या, फ्रेट्रीसाइड, फ्रेट्री मैंने ब्रदर, भाई की हत्या, ठीक है। उसके बाद है सोरोसाइड, सोरो मैंने एस से सिस्टर की हत्या, ठीक है। उसके बाद है पैट्रीसाइड, पैट्री पितरी, पिता की हत्या, मैट्रीसाइड मातरी, माता की हत्या। एक याद रखना मैरिटी साइड होता है बच्चे हस्बैंड की हत्या, और युक्सोरी साइड याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है, युक्सोरी साइड का मतलब होता है वाइफ की हत्या, ठीक है। तो आप साइड में ये ध्यान रखेंगे, सुसाइड खुद की, फेरेट्री ब्रदर, सोरो सिस्टर, पैट्री मैट्री, मैरिटी ये मैट्री है माता, और ये है मैरिटी हस्बैंड, युक्सोरी साइड वाइफ, ठीक है। अब यहां पे माता की हत्या यानी मैट्रीसाइड, क्लियर। अब जीनोसाइड क्या होता है, जीनोसाइड का मतलब है रेस और कम्युनिटी, जाति समुदाय की हत्या, ठीक है। उसके बाद फोइटी भ्रूण हत्या, ठीक है, फीमेल फोर्टिसाइड बोलते हैं ना, तो भ्रूण हत्या। मोटरी सवग्रह, जहां पे सौ को रखा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। इसके साथ साथ ये पांच छह वर्ड और याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सप्लाई स्टेबल आर्टिकल फिल करना है, मिसेस पटेल स्पीक्स ब्लैंक फ्रेंच, ओके ए एंड द, तो बच्चे फ्रेंच एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता। अब जैसे इंग्लिश है, फ्रेंच है, जब ये लैंग्वेज की तरह यूज होते हैं, भाषा की तरह यूज होते हैं, तो इनसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते। लेकिन कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा द इंग्लिश लिखा, तो इस द इंग्लिश का मतलब होता है यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, यदि लैंग्वेज से पहले हम द लगाते तो वो नेशनलिटी को शो करता है, यहाँ पे इंग्लिश का मतलब है अंग्रेज, ठीक है। ऐसे ही द फ्रेंच, फ्रेंच का मतलब होता है फ्रांसीसी, क्लियर। तो यदि दाल लगा हुआ है तो वह वहाँ की नेशनलिटी को शो करेगा, अदरवाइज ये क्या होते हैं, लैंग्वेज होते हैं, और यहाँ पे जो फ्रेंच है वो क्या है, लैंग्वेज का काम कर रही है, तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा, क्लियर। बैंकॉक इज ब्लैंक कैपिटल ऑफ थाईलैंड, ओके अब देखो बच्चे ए एंड द बनना है, ठीक है। तो हमें पता है यदि किसी भी सेंटेंस में नाउन फिर ऑफ और फिर दोबारा नाउन आ जाए, यदि किसी भी सेंटेंस में नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर है तो उससे पहले हम द आर्टिकल लगाते हैं,
द का मीनिंग ही क्या होता है, जब हमारे सारे रूल अप्लाई नहीं हो पाते तो थोड़ा इस रूल पे फोकस करना। यदि किसी भी सेंटेंस में नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर है, स्पेशल नाउन है, तो उससे पहले क्या लगता है, द का यूज होगा। तो बैंकॉक इज द कैपिटल ऑफ थाईलैंड, क्लियर। नेक्स्ट, द पार्सल अ मंथ एगो। ओके, देखो बच्चे, इसमें आंसर क्या है, इज सेंट, हैज सेंट, was and sent। अब किसी भी सेंटेंस में मैंने पहले भी बताया था, yesterday आ जाए, last आ जाए, ago आ जाए, तो वहां पे verb की second form या did के साथ negative है तो first form का use होगा, ठीक है। अब सबसे पहले मैं ये confirm करूंगी, जो parcel है वो subject है या object है। The parcel a month ago, बताओ parcel subject है या object है। तो अब यदि मैं इसको सब्जेक्ट मान लूं, तो क्या जो पार्सल है वो खुद भेजा जाएगा? हैं, पार्सल को तो हम सेंड करते हैं, हम भेजते हैं। भी किसको से पार्सल, मतलब किसको सेंड किया जाता है, पार्सल को। जब हमारा किसको से आंसर आएगा तो यहाँ पे पार्सल सब्जेक्ट का काम ना करके किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, क्लियर है। यहाँ पे पार्सल सब्जेक्ट नहीं है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। कैसे पता चला भाई, पार्सल डूअर थोड़े ही है, पार्सल कोई काम थोड़ी करेगा, पार्सल को तो हम सेंड करेंगे। यदि यहाँ पे ये डूअर है, इट मींस जो सेंटेंस की फॉर्मेशन है वो पेसी वॉइस में है, और जब भी पेसी वॉइस का जिक्र आएगा तो इसी टेंस को जब हम पेसी वॉइस में चेंज करेंगे तो वोज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। तो यहां पे ढूंढो भाई, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म कहां है, सी ऑप्शन में, वॉज सेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा, क्लियर। नेक्स्ट देखो भाई, ही ब्लैंक नोट अपोज मी। ओके, ऑप्शन में है डेयर, डेयर्स, डिड डेयर, वॉज डेयर। तो देखो बच्चे, डेयर एक मॉडल है, नीड और डेयर दो मोडल्स ऐसे हैं जो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं और जो मेन वर्ब भी होते हैं, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, अब इसको ध्यान देंगे। यदि सेंटेंस पॉजिटिव है तो ये दोनों ही किसका काम करते हैं, मेन वर्ब का। और यदि नेगेटिव सेंटेंस है या इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। और यदि ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे तो ये अपनी सेम फॉर्म में आएंगे, नीड का नीड, डेयर का डेयर, ठीक है। एस आई एस का यूज नहीं करेंगे। अब मैंने क्या बोला, दोबारा सुनो, नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, मेन वर्ब भी होते हैं। आपको कैसे पता चलेगा हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? यदि सेंटेंस पॉजिटिव है तो ये मेन वर्ब होते हैं, सेंटेंस नेगेटिव है तो ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है। अब मैंने देखा है यहाँ पे नोट आया है, सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव है तो इट मीन्स यहाँ पे जो डेयर है वो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है तो ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही होगा, डेयर। डेयर्स मत कर देना ही को देख के, क्यों, देखो, एक तो मैंने लिखा ही डेयर्स टू गो देयर, ठीक है, एक लिखा ही डेयर नॉट गो देयर। अब मैं आपसे पूछू भाई, इस सेंटेंस में डेयर हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? तो मैंने चेक किया भी, सेंटेंस पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो यहाँ पे डेयर मेन वर्ब है, मेन वर्ब है तो फर्स्ट ही सीट के साथ एस आई एस आएगा। लेकिन ये सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव है तो डेयर किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का। मैंने लिख रखा है नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। यदि हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तब एस आई एस नहीं लगाते बच्चे, ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में यूज होता है, यानी डेयर का डेयर रहेगा, यानी इसका आंसर क्या रहा, ए, क्लियर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, पीपल लिव इन ग्लास हाउसेस, ब्लैंक नॉट थ्रो स्टोन्स, वुड मस्ट शुड कुड। अब इसका आंसर क्या है बच्चे, जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, एक प्रोवर्ब है, यहाँ पे शुड आएगा, पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट स्टो थ्रो, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है,
द सिक्स आर नॉट प्रॉपरली लुक्ड आफ्टर इन हॉस्पिटल। ओके, अब देखो बच्चे यहाँ पे एरर बतानी है, तो यहाँ पे द सिक्स लिख रखा है, ध्यान रखना। यदि एडजेक्टिव से पहले द लगा दे तो वो खुद प्लूरल होता है, दोबारा एस या एस लगाने की जरूरत नहीं होती, इसमें ए में गड़बड़ है। जैसे मैं लिख दूं रिच, रिच मैंने अमीर, द रिच अमीर लोग, अब सबकी बात हो रही है तो यहाँ पे रिचिज लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने लिखा पुअर गरीब, द लगा देंगे तो द पुअर गरीब लोग, यहाँ पे एस लगाने की जरूरत नहीं है। यदि एडजेक्टिव से पहले हम द लगा दे तो ऑलरेडी वो प्लूरल होता है, प्लूरल होता है तो उसके साथ एस या एस का यूज नहीं होगा, द रिच द पुअर। क्लियर, नेक्स्ट देखो भाई। सम फिनोमिनन ऑफ नेचर आर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, यहाँ पे एरर बतानी है, तो यहाँ पे एरर कहाँ है, ए पोर्शन में एरर है बच्चे। कैसे पता चला, देखो सम, सम के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होता है, अनकाउंटेबल भी आती है लेकिन सम के बाद काउंटेबल की बात करें तो नाउन कैसी होनी चाहिए, प्लूरल। आपने लिखा देखा होगा सम बॉयज, क्या कहीं पे सम बॉय लिखा देखा है, नहीं, क्योंकि सम के साथ हमेशा प्लूरल आता है। तो सेम हेयर, फिनोमिनन एक सिंगुलर है, फिनोमिनन का सिंगुलर प्लूरल होता है फिनोमिना, तो यहाँ पे प्लूरल लगाएंगे, फिनोमिनन सिंगुलर है इसका प्लूरल होता है फिनोमिना, तो फिनोमिना आएगा। क्लियर, नेक्स्ट। विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, ओके, स्कार्सली I had finished relating the incident when he fall asleep. ये conjunction है, hardly और scarcely के बाद when आएगा, no doubt. लेकिन किसी भी sentence में scarcely है, no sooner है, hardly है, तो यदि ये तीन शब्द कहीं पे भी है तो इनके तुरंत बाद rule of inversion आता है। रूल ऑफ इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, रूल ऑफ इन्वर्जन का मतलब इनके तुरंत बाद मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, फिर सब्जेक्ट आना चाहिए। लेकिन मैंने देखा स्कार्सली के तुरंत बाद सब्जेक्ट दे दिया, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यानी यहीं पे एरर है। इसको यदि मैं ठीक करूँ तो हैड आई फिनिश्ड होना चाहिए, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में हार्डली स्कार्सली नो सुनर है तो उसके बाद रूल ऑफ इन्वर्जन आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा, लेकिन यहाँ पे पहले सब्जेक्ट था तो ये गलत है, हैड आई आएगा। क्लियर, नेक्स्ट देखो भाई। ही वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, फिट एंड स्टार्ट का मतलब होता है जब हम काम को रेगुलर नहीं करते, कभी कभार करते हैं। अब जैसे 6 महीने कमा लिया, 6 महीने फिर घर पे ऐश की, फिर 6 महीने कमा लिया फिर घर पे ऐश की, तो इसे बोलते हैं फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी इरेगुलरली। क्या बोलेंगे, इरेगुलरली। कंसिस्टेंटली होता है लगातार, इन हाई स्पिरिट उत्साह में, एंथुसियास्टिकली उत्साह में, तो इसका आएगा फिट्स एंड स्टार्ट एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है रुक रुक के। क्लियर, कभी कभार। नेक्स्ट है He has difficulty. अब है too much और much too. देखो ध्यान रखना, एक होता है too much, एक होता है much too. दोनों में क्या डिफरेंस है, too much का यूज हमेशा नाउन से पहले होगा, ठीक है, और much too हमेशा एडजेक्टिव से पहले आता है, ठीक है, एडजेक्टिव से पहले। तो अब मैंने देखा डिफिकल्टी क्या है, नाउन है, नाउन से पहले तो too much आएगा, यानी ठू मच, मच ठू नहीं आएगा। क्लियर, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। उसके बाद यदि ये होता ही इज इंटेलिजेंट, फिर मैं क्या लगाती बच्चे, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले मच ठू, यानी मच ठू इंटेलिजेंट होता, ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखो, नीदर ऑफ द थ्री बॉयज हैज कंप्लीटेड द वर्क, यहां पे एरर बतानी है, नीदर ऑफ। तो बच्चे नीदर ऑफ का हिंदी में मीनिंग है दो में से एक भी नहीं, क्या मीनिंग है, दो में से एक भी नहीं, तो यहां पे थ्री आ गया, लेकिन नीदर ऑफ का मतलब है दो में से एक भी नहीं, तो यहां पे गड़बड़ आ गया। अब यहां पे है ज्यादा में से एक भी नहीं, है ना, तो उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं नन ऑफ। नन ऑफ का हिंदी में मीनिंग है ज्यादा में से एक भी नहीं,
नीदर या नाइदर आ जाता यदि टू होता, अब टू नहीं है, ज्यादा है, ज्यादा है तो यहाँ पे नन ऑफ आएगा, क्या आएगा, नन ऑफ। टू होता तो ये ठीक था, अदरवाइज नन ऑफ का मतलब है ज्यादा में से एक भी नहीं। क्लियर। नेक्स्ट, इन द सेम बुक, इट इज द सेम बुक विच आई सॉ एट द बुक फेयर। देखो द सेम के साथ कभी भी विच का यूज नहीं होता, द सेम के बाद दैट आता है, या तो एज आएगा या दैट आएगा। द सेम के बाद दैट कब आता है, यदि नेक्स्ट सेंटेंस में वर्ब दे रखी हो। मैंने देखा नेक्स्ट सेंटेंस में वर्ब दे रखी है तो द सेम के बाद दैट आएगा, भाई यह वही पुस्तक है जो मुझे चाहिए थी, तो द सेम का पेयर क्या होता है, दैट। ठीक है, हम प्रोनाउन में भी पढ़ते हैं ना, द सेम कहीं पे आ जाए तो उसके साथ क्या आएगा, दैट आएगा। क्लियर। नेक्स्ट, विच नहीं आता। दे मेक हिम द चेयरमैन एवरी ईयर। ओके, अंडरलाइन फ्रेज। देखो इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट है, या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सबसे पहले दे क्या है, सब्जेक्ट, मेक क्या है, वर्ब, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ध्यान देंगे, दे मेक हिम, उन्होंने उसे बनाया, क्या बनाया, चेयरमैन। अब किसे बनाया है, चेयरमैन, हिम को, उसे। हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो यानी ऑब्जेक्ट को पूरा किया, तो इसको मैं बोलूंगी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलूंगी, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बच्चे, जो ऑब्जेक्ट है और उसका कॉम्प्लीमेंट, वो एक ही बंदा होना चाहिए। उन्होंने किसको चेयरमैन बनाया, उसे, यानी जो चेयरमैन है वो हिम के लिए आया है, तो इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। नेक्स्ट, जैक हैज मेड जिल एन एक्सीलेंट हस्बैंड। ओके, जैक क्या है, सब्जेक्ट, मेड वर्ब, जिल क्या है, ऑब्जेक्ट। जैक हैज मेड जिल, जैक ने जिल को बनाया, क्या बनाया, एक्सीलेंट हस्बैंड। किसको बनाया है, जिल को बनाया है। यहां पे एक्सीलेंट हस्बैंड जिल के लिए आया है, जैक ने तो बनाया है जिल को, तो जिल के लिए आया है तो ये है ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को पूरा किया, तो इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरा। क्लियर। तो बच्चों हमने आज फिर 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, आई होप समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहां से रिप्लाई आ जाएगा। आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।